आरंभ होइछि दिल्ली महानगर निगम निर्वाचन सकाळ 8टा रो चालिछि वोटिंग 250 वार्ड रे समुदाय 1349 आशाई मैदान को ओल्हाइछन्ते संध्या 5:30 पर्यंत वोट ग्रहण हेबो यहा परे आसंता 7 तारिख रे हेबो वोट गणती 1.45 कोटी रु अधिक वोटर सेमानंकर मत साब्यस्त करिवे एथिपई सुरक्षा व्यवस्था मध्य कडाकडी करा जाइछि 13638 मतदान केन्द्र रे प्राय 100,000 कर्मचारी मुतयन होइछन्ते समस्त निर्वाचन मंडल रे मोट 68 टी मॉडल पोलिंग स्टेशन एवं 68 टी पिंग स्टेशन स्थापन होइछि एमसीडी निर्वाचन पई दिल्ली रे समस्त होलसेल एवं रिटेल बाजार बंद रहिछि निर्वाचन पई दिल्ली रे समस्त सरकारी स्कूल मध्य बंद घोषणा करा जाइछि एथर एही निर्वाचन पई 68 टी आदर्श बूथ 68 टी पिंग बूथ निर्माण करा जाइछि वोट थिबारु आज दिल्ली मेट्रो सेवा राति 4:00 रु आरंभ होइछि बाबद्र अधिक सूचना पाई दिल्ली रु आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित जोड़ी होती गगन वर्तमान मतदान रा चित्र कौन सामना को आसुची एवं पोलिंग बूथ मानक रे कौन केमती कौन व्यवस्था होची देखो निश्चित भाव पूरा शांति श्रृंखला सहित वर्तमान भोटिंग चली नुआ दिल्ली एमसीडी इलेक्शन देखु 15 वर्ष धरी एटी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी रे कब्जा रही तेणु ताकु पुनरावृत्ति करने लगातार जोर लगे अंपटे केजरीवाल सरकार रही विधानसभा दुई टर्म से अच्छा तेणु काफी कड़ा टक्कर रोच कहीं पूर्व दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार था तेणु चिन्मयी गोटे कड़ा टक्कर देखा मिलूँ गोटे त्रिमुखी लड़ई देखा मिलूँ कि भोटिंग स्थल जी कह भोटिंग स्थल बहुत शांति श्रृंखला रही बर्तमान गोटे पिंक बूथ रित्र देखिपे जो काफी अनेक संख्यार बर्तमान पुलिस मुतयन होती जो जो सिक्यूरीटी अफिसर मान रही से गोटे लंग रूट आसुच्च गोटे पर गोटे बूथ को जो भी किसी अभियोग इमिडियट बेसीस कि सल्यूशन कर बर्तमान पर्यटन सेमती कौन विशृंखलार चित्र सामना को आसीना केवल जी रही दिल्ली कांग्रेस सभापति अनिल चौधरी लिस्ट में ना ना तेणु से जगार ही टी साम किसी क्षण कांग्रेस कर्मी हुआला बर्तमान जांच कराऊ लिस्ट में कहीं ना ना तमाम अनेक बड़ बड़ नेता कहतु हर्षवर्धन कहतु जी पूर्वतन केन्द्र मंत्री थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी छवि कहुला 7 जन सांसद बन रही समस्ते भोट दौरान अनेक विधायक भोट देते किसी प्रवासी ओडिया अच्छा सहित आलोचना करने केमती भोट देते केमती कौन व्यवस्था देखते आज्ञा बहुत वर्ष धरी आपड़ी रुहति ओडियां गोटे कब्जा रही ये वोटिंग बूथ रे दुर्गा पूजा एटी बहुत आडंबर पूर्ण हुए शाहपुर जाट रे केमती आपण वोट देखछु आमे एटी गत 30 वर्ष ला वोट दउछु एटी 15 वर्ष ला बीजेपी रे अछि आगुर थेले शिक्षा रे थेले एबे सीट टा चेंज हे जाइछ पहिले ये शाहपुर जाट गांव थला गेटर क्लास अंडर आसला एवं चिराग दिल्ली अंडर आ जो शिक्षा रही था गेटर क्लास खड़ाई एथर नुआ कैंडिडेट सब ठिया होती पुणा कैंडिडेट कई ना नुआ कैंडिडेट हिसाब से लोक कंपिटिशन चलती तीन कांग्रेस आम आदमी और बीजेपी जे भी हार जितो तेरे 250 भोट तफा ये फरक प्रतिश्रुति ओडिया हिसाब से जेहतु आप रोचान अनेक दाबी आपंकर पूजाटे कर दिल्ली में गोटे आई कैच कैचिंग पॉइंट हिसाब से अच्छी जो दाबी रखी आप भाई जी भी जितब जेकोसी पार्टी आसतु ओडिया से ढड़ा हे आमर दुर्गा पूजा हमारे एमसीडी पार्क फ्री रे बुक करा जाए समस्त जी भी आसी हेल्प करेंगे तेणु आम समस्त सामंजस्य बनई रखू और जी जाक भोट दौंती मुद्दा नहीं लोक मैंने भोट दिखाते कि आम कमिटी तरफ आम समस्ति कहारिक मना कर जी भी ये कले आम समस्ते भोट देकना ये करो कि जी भोट दवा कथा दिंतु निज निज मत दिखते लेकिन आम दुर्गा पूजा पार्क से साय एमसीडी साय सफाई करने जो प्रोग्राम तीन दिन हुए दुर्गा पूजा से साय ना आम एमसीडी देखते भी आगु जी भी आसो आम आशा रखी से बहुत साय करेंगे ये आशा रही कि आम समस्त कहुची आपसे समस्त ओडिया घर बाहर के भोट लोकसभा जो लोकसभा भोटिंग हुए बर्तमान सेमती भिड़ परिलक्षित होने आप समस्त अपील करेंगे समस्त आसतु ये प्रक्रिया सामिल हूँ बिल्कुल आम समस्त को बुलू समस्त को रिक्वेस्ट कर शीघ्र बाहर आम भोट दे सारू सारे सका आसिक आम 8 आसिक आगे भोट देकर आम लोक मान मिसा समस्त की डाक जे आम ओडिया लोक अनेक लोक यठ बाहर अलग जगह रही क्योंकि भोटर लिस्ट ना अच्छे शाहपुर जाट रे काफी ओडिया एवं बंगाली लोकंकर एठी बेसी संख्या रोचंती बिहार मध्ये किछ रोचंती जते हम ओडिया का कथा कहबा केते पाखा पाखी ओडिया एठी रोचंती
ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର 1300-1400 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ବେଙ୍ଗଲୀ ଭୋଟର ଆମଠୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଲଗଭଗ 1800 ଭଳି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି 32 ବର୍ଷ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ 30। ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନେକ ନେତା ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ଜିତିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯୋଉଟା ଆଜି ଯାଏ ହେଇନି? ସେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣାଯିବ କି ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ହିସାବରେ, ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। 1300 ଭୋଟର ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଫି ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୋଟର, ଯାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ହୁଏତ ତା ପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଭାରି ହେଇପାରେ। ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ, ସେଠି କେମିତି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ ଗଗନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।